हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। जो जितने भी छात्र सीटेट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं दोस्तों, और आप सभी को बताया कि मैंने सीटेट जनवरी 2024 के लिए तैयारी भी करवाया, बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको प्रोवाइड किए, इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स भी प्रोवाइड किया, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक जो पूछे जाते हैं वही सारे टॉपिक्स के नोट्स तैयार किए गए थे, और लाजमी थे उसी सारे टॉपिक से नोट्स से क्वेश्चन भी फंसे। लेकिन रीज़न क्या हुआ, बच्चों ने तैयारी किया, मेहनत किया, गए, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे निगेटिव निकल के आई बाद में, जब पेपर दे के बच्चे निकले और उसके बाद जब उनको खबर पता चली कि सीटेट का जो पेपर है वो ऑलरेडी पहले से ही वायरल हो चुका है, पहले से ही लीक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत हताशा हुई यहाँ पर। और आप सभी लोग लगातार उसके बाद मुझे भी मैसेज कर रहे थे, मैं 2 दिन से थोड़ा सा बिजी था, इस पर कोई वीडियो नहीं बना पाया। आप लोग लगातार कमेंट करके, मैसेज करके हर जगह पूछ रहे हैं कि सर क्या पेपर लीक हुआ है, और लीक हुआ है तो क्या कैंसिल होगा या नहीं होगा, और क्या परीक्षा दोबारा देने को मौका मिलेगा, ये सबको पास कर दिया जाएगा, सर कुछ तो इसके बारे में बताइए। और मैं इस अभी कोई वीडियो नहीं बनाया था, इस वीडियो को मैं पहले अभी आज बना रहा हूं दोस्तों, तो पूरी जानकारी आपको देता हूं। देखिए, सीटेट का पेपर जो है वो लीक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों ने देखा होगा जब 21 तारीख को पेपर संपन्न हुआ, उसके बाद दोबारा जब दूसरे दिन आपने 22 तारीख को पेपर जब देखे होंगे, न्यूज़पेपर देखे होंगे, तो वहां पर कहीं भी ये नहीं बताया गया, लिखा गया कि पेपर लीक हुआ है। ये बताया गया कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया मुन्ना भाई, कहीं पर किसी के दूसरी के जगह कोई लड़की पकड़ी गई, ये सारी चीजें खबरें छापी गई, और ये बताया गया अभ्यर्थी बोले गणित के सवाल रहे आसान, ये सारी चीजें छापी, लेकिन ये पेपर में भी नहीं छापा गया कि जो पेपर था वो लीक हो गया है, ताकि ना ही सरकार पे इसको लेकर कोई कमेंट किया, ना ही CBSE ने कोई जवाब दिया इसको लेकर अभी तक, और CBSE बिल्कुल इस चीज को लेकर चुप है। सारे कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये सारी कटिंग, कुछ कटिंग तो वायरल हो रहे हैं फेक बनाकर कि परीक्षा रद्द होगी, अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है CBSE की तरफ से, ना ही वेबसाइट पे कोई नोटिस जारी किया गया है कि पेपर कैंसिल होगा। देखिए, पेपर जो है ये पूरे भारत में हुआ है एक ही दिन, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार पेपर लीक हुआ है, ये आम है उत्तर प्रदेश में, सारी चीज़ें तो होती रहती है, बिहार उत्तर प्रदेश सब चीज़ इस चीज़ के लिए फेमस है, और सीटेट के पेपर पहले भी लीक हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लीक नहीं हुए थे, तो नज़रअंदाज करना लाजमी था, इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि इनका हो ही नहीं सकता कि ये देखो एलिजिबिलिटी यानी कि आप केवल ये पात्रता परीक्षा है, तो इसको लेकर इन्होंने जो छोटी पैमाने पर जो पेपर लीक होते थे उसको इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन इस बार जिस लेवल का पेपर वायरल हुआ, जिस लेवल से पेपर लीक हुआ है, 10-10, 20-20 रुपए के पेपर बिके हैं, इस लेवल पर दोस्तों कुछ ना कुछ सीटेट को बोलना चाहिए, CBSE को बोलना चाहिए, और कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रीज़न क्या है कि ये दोबारा परीक्षा कराएंगे तो ये, क्योंकि इस बार 30 लाख आवेदन थे, कितने लाख, 30 लाख आवेदन थे, और ये एक साल में 2 बार पेपर कराते हैं, 30 लाख को दोबारा कैसे पेपर कराएं, ये बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी इनके लेकर, पूरा खर्चा इनको दोबारा करना पड़ेगा, इस वजह से ये बिल्कुल चुप हैं और सोच रहे हैं कि पात्रता परीक्षा और ऐसे इसको जाने दिया जाए। हालांकि इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर में दोबारा बच्चों को मौका देना चाहिए बैठने के लिए, या सभी को पास कर देना चाहिए पासिंग मार्क को देकर, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर बताएं दोस्तों। और पेपर जो है ये लीक हुआ है ये 100% श्योर है, लेकिन न्यूज़पेपर वालों ने भी नहीं छापा, अच्छे अच्छे हिंदुस्तान का ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सभी पेपर्स में कोई जानकारी नहीं मिली, और जो पेपर वायरल हुआ है प्रयागराज में हुआ, वाराणसी में हुआ, या बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है बिहार वगैरह में हुआ है, लेकिन दोस्तों और ये चीज़ें आम है, लेकिन यहाँ पर जो सीटेट की जो जिस लेवल का यहाँ पर इस बार वायरल हुआ है, इसको लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर बयान आना चाहिए था, और हम लोगों ने समझा था कि 21 तारीख को पेपर हुआ है, 22 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पड़ गया, इसके वजह से सारे ऑफिस बंद थे, हो सकता है 22 तारीख को 23 तारीख को यानी कि आज कुछ ना कुछ आना चाहिए, आज जब CBSE ऑफिस खुला था तो आज नोटिस, उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ बयान आएगा CBSE की तरफ से, कोई ना कोई नोटिस आएगी परीक्षा लीक पेपर लीक के ऊपर, लेकिन पूरा दिन बीत गया और इसी का इंतजार में रह गया कि कोई कुछ भी नहीं आया, ना ही कहीं न्यूज पे कुछ चला, ना ही कोई गवर्नमेंट के, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी ने कुछ बयान दिया इसको लेकर, ना ही CBSE के किसी अधिकारी ने, ना ही CBSE के ट्विटर हैंडल पर कुछ इसके बारे में जानकारी आई, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ भी नहीं आया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल आंख मूंद लिया है CBSE ने और गवर्नमेंट ने इसको लेकर। और दोस्तों आप लोगों ने तैयारी भी किया, नोट से बहुत सारी चीज़ें फंसी भी, जो बच्चे नोट से तैयारी किए हैं उनको मदद भी मिली, लेकिन अब क्या है, पेपर लीक हो गया तो कहीं ना कहीं बच्चे हताश हुए कि हमने मेहनत किया था। और आपकी क्या राय है इस पर, क्या पेपर लीक हुआ है तो जहाँ जिस जगह लीक हुआ है वहाँ का पेपर कैंसिल कर देना
देना चाहिए, और जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई वहाँ कराना चाहिए, वहाँ ऐसे ही रहना चाहिए, उनका रिजल्ट जारी करना चाहिए। आप अपना भी ओपिनियन बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके बाद जो भी अपडेट आएगी CBSE की तरफ से, कोई भी जवाब अगर निकल के आ रहा है पेपर कैंसिल को लेकर या पेपर में कोई चेंजेस को लेकर या फिर से पेपर कराने को लेकर, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, घर वालों को शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे जाए और सभी को पता चले। सभी चैनल वाले इस पे वीडियो बनाए, ऐसा कोई नहीं है कि वीडियो ना बनाए। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया, और आखिरकार मैं आज बना रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि सब आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई अगर गलत हुआ है तो उसको लेकर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो आप लोग की क्या राय आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। उस सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपका थोड़ा भी पेपर गड़बड़ हुआ है तो कहने की उम्मीद है कि पेपर दोबारा हो, तो आप उस मौके को जाने मत देना। अगर जो आपके अंदर कमी थी, जहाँ जहाँ से प्रश्न आए थे आप उसको अगर नहीं पढ़े थे, तो फिर से तैयारी करें, अच्छे लेवल की तैयारी करें। नोट्स की मदद ले सकते हैं, इस नोट से बहुत हेल्प मिल जाएगी। नोट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा मैसेज करने पे। पेपर वन और पेपर टू दोनों का नोट्स अवेलेबल है। तो तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट्स होगी आपको बताई जाएगी। और अगर दोबारा आपको मौका मिल गया तो इस मौके को आप जाने मत देना। अगर आपसे चूक हुआ, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो तैयारी में डटे रहिए। और अगर दोबारा हुआ पेपर तो भी मौका मिलेगा, और नहीं तो फिर से मार्च में इसका फॉर्म आने वाला है और फिर से अगस्त में आपकी परीक्षा होगी। तो आपको निराश नहीं होना और लगातार आपको परीक्षा की तैयारी करते रहना है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर पात्रता परीक्षा में ये इस लेवल की धांधली हो रही है, इस तरीके से इतना सबको, आप सेंटर पर जब गए होगे, जब सेंटर में परीक्षा देने के दौरान कितने सारे चेकिंग हुए, गेट पे चेक कर रहे हैं, अंदर जाकर चेक कर रहे हैं, बायोमेट्रिक हो रहा है, फिर जब आप क्लास में बैठ गए होंगे तब भी किसी ने, टीचर ने आकर आपका आधार कार्ड लिया होगा, आपका चेहरा बार बार देखा होगा, इतना सब कुछ कड़ा रखने के बाद में भी इस लेवल के धांधली हुई। तो जब पात्रता परीक्षा में इस तरीके से हुआ है, तो फिर जब भर्ती आएगी, सुपर टेट आएगा, तो किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? या मान लो यूपी पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, इतने 50 लाख आवेदन हुए, उसका कैसे होगा? ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इसको लेकर। मेहनत करते हैं बच्चे, और ऐसे कोई पेपर लीक करके और पास होता है और कुछ बच्चे मेहनत करके भी फेल हो जाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए। और जो भी अपडेट्स आएगी हमारे चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ मुझसे बात करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूज़र आईडी है, मुझसे बात कर लीजिए, ये यूज़र आईडी सर्च कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।